दोस्तों, ये रहा मंदिर और आप भीड़ देख सकते हैं जाने के लिए। यहाँ पर काफी भीड़ है। यहाँ पे क्या करना है भाई? क्या करना? क्या भीड़ बहुत है। तो फिलहाल हम लोग अभी लाइन से जा रहे हैं। अभी दोपहर के अप्रॉक्स 1 बज गए। चप्पल लहरा कर मेरे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये बाबा जी का मंदिर है। यहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश करने वाले हैं और काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है, तो हम लोगों ने शॉर्टकट मार दिया। और यहाँ पे देख सकते कितनी ज्यादा लंबी लाइनें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सफेद कपड़े में नारियल बांध कर उसके ऊपर ना अपना अपना नाम लिखा हुआ है। शायद ये अपनी मन्नत मांग रहे हैं बाबा जी से। और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे आज। तो चलिए, ये है जो मंदिर का दृश्य, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। ये छत्तीसगढ़ के पावन माटी मां, गिरौदपुरी बन गए चारों धाम। दिन दुखिया सब दर्शन भर जाते, बन थे बिगड़े काम। मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी छोटी मंदिर दिखेंगे। ये भी बाबा जी के कुछ मंदिर ही है और मुझे उतनी जानकारी नहीं है। और ये बाबा जी का मुख्य मंदिर है और यहाँ भी आज लाइन लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो थोड़ा वेट करते हैं फिर अंदर जाते हैं, शायद वहाँ पे कैमरा अलाउ ना हो, मे भी देखते हैं क्या होता है, पता करते हैं। मंदिर से दर्शन करके आगे वहाँ थोड़ा कैमरा लगा नहीं था तो हम लोगों ने शूट नहीं किया। हम लोग जा रहे हैं चरण कुंड की ओर और मैं आपको दिखाता हूँ। और हर चीज़ को डिटेल में आपको जानकारी दे पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हर चीज़ को डिटेल में दर्शा पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं ज़्यादा इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल हम चल रहे हैं चरण कुंड की ओर। चरण कुंड जाने के लिए आपको मंदिर से इधर सीढ़ी की ओर नीचे आना पड़ेगा आपको। और काफ़ी प्यारा सा यहाँ पे नज़ारा है, घने घने जंगल है, पहाड़ है यहाँ पे। और आज काफ़ी भीड़ गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती पे। हम लोग चरण कुंड के पास पहुँच गए और इधर जो लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको चरण कुंड जाएगा और फ्रंट साइड आपको जाएगी अमृत कुंड। तो फिलहाल चलते हैं चरण कुंड की ओर और देखते हैं क्या है चरण कुंड यहाँ का। और भाई पीलू, क्या विशेषता है चरण कुंड की, कुछ बताएंगे? चरण कुंड दोस्तों, कहा जाता है यहाँ गुरु घासीदास बाबा जी अपने पैर हाथ धोकर तपस्या के लिए जाया करते थे। इसलिए इस कुंड से लोग
बॉटल में या अपने अपने घरों के लिए जल लेकर जाते हैं। जा रहे हैं अमृत कुंड की और मेरी मोबाइल की बैटरी, एक बैटरी पूरी स्विच हो चुकी है और ये भी पूरी लास्ट टाइम आ चुका है और मेरे पास मेरा सेलफोन भी नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा, आगे का ब्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा। गिरौतपुरी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमृत कुंड, इस जगह का इतिहास बहुत रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ पर पीने के पानी की पहले बहुत किल्लत रहती थी और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद यह समस्या दूर नहीं हो पा रही थी। तब एक स्थानीय साधु ने लोगों की मदद करने के उद्देश्य से अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक पहाड़ के हिस्से को अपने अंगूठे से छूकर एक गड्ढे में तब्दील कर दिया, जहाँ से मीठे पानी की जलधारा फूट पड़ी। फिर जिस कुंड में इस पानी का भंडारा किया जाने लगा उसे अमृत कुंड का नाम दिया गया। पहले 2 किलोमीटर चलने के बाद अभी तो पहुंच गया छाता पहाड़, और यहाँ की क्या विशेषता है मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं आपको यहाँ का व्यू थोड़ा दिखाता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। दोस्तों, मानवता के पुजारी संत गुरु घासीदास जी का जन्म गिरौतपुरी में 18 दिसंबर सन 1756 को हुआ था। यह अवस्था में इन्होंने लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों से परिपूर्ण यह स्थान छाता पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की, इसीलिए इस जगह को बाबा जी की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है संत गुरु घासीदास बाबा गिरौतपुरी पहुंचकर लोगों को सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और परोपकार के उपदेशों के साथ मानवता का भी संदेश दिया था। देख सकते हैं अक्षय के मित्र लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखो अक्षय के मित्र लोग। Hey guys, hey guys। मितानी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं यहाँ पे। अजब यहाँ यार, कुछ लेके आइए इनके लिए, चने खिला दीजिए, बहुत क्यूट लगते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे DSLR वाले फोटो भाई अपना कार्य करते हुए, और हम पता नहीं आज क्या ब्लॉग होना है, वो समझ भी नहीं आ रहा है आज तो क्या बना है क्या। फ्रेंड्स, हम लोग अभी छाता पहाड़ से बाइक पार्किंग की बार आ गए और मैं ब्लॉग यहाँ अब एंड करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। पता नहीं मैं ब्लॉग कैसा बनाया हूँ, मुझे खुद नहीं पता। ये तो बैटरी की बहुत समस्या थी, ऊपर मेरे पास मोबाइल नहीं था, बस अक्षय भाई की थोड़ा दोनों एडजस्ट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं आप लोगों को बहुत जगह का स्टेप बाई स्टेप मतलब दर्शा नहीं पाऊँगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, काफ़ी टाइम हो गया। टाटा, बाय बाय।